हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पोयम फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स फ्रॉम अवर हॉर्नबिल द रीडर बुक ऑफ क्लास 11th. नाउ फर्स्ट आई रीड द पोयम, सो ऑल ऑफ यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us, I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Students, there are 4 stanzas in this poem. Now, first I explain the first stanza. I do not understand too, yet have I killed. Now in these lines, the poetess explained that he, father explained his relation with a boy. इस लाइन में जो पिता है वो अपने बच्चे के बारे में कहता है कि ये बच्चा मुझे समझ में नहीं आता, जबकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. इसीलिए जब वो छोटा था तब से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता था, फिर भी मैंने उसे मार दिया. इन नेक्स्ट स्टेंजा ही सेड दैट ही एक्सप्लेन्स हिज सॉरो दैट वह बीज जिसे मैंने खर्च कर दिया या बोया है, जहाँ उसकी भूमि है मेरी नहीं है, हम अजनबियों की तरह बोलते हैं. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हवा में समझ का कोई भी साइन जो है वो दिखाई नहीं देता, अंडरस्टैंडिंग का साइन. ये बच्चा मेरे डिज़ाइन के लिए बनाया गया है, फिर भी वह जो प्यार करता है वह मैं साझा नहीं कर सकता, उसे मैं शेयर नहीं कर सकता. इन नेक्स्ट स्टेंजा फादर एक्सप्लेन्स दैट मौन हमें घेरे रहता है, साइलेंस सराउंड्स अस, उसे कौतुक हो गया. यहाँ पर स्टूडेंट प्रोडिगल मीन्स होता है कौतुक, जब हम किसी चीज़ को जानने के बहुत इच्छुक होते हैं. अपने पिता के घर वापस आने पर वह घर जिसे वह जानता था, बल्कि उसे अपनी दुनिया बनाने और आगे बढ़ने के लिए देखता था, मैं उसे भी माफ़ कर दूंगा, दुख से एक नया प्यार आकार देने के लिए. आई फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. इन लास्ट स्टेंजा फादर एंड सन, पिता और पुत्र, हम दोनों ही एक ही दुनिया के हैं और एक ही भूमि पर रहना चाहिए. वह बोलते हैं, मैं खुद को समझ नहीं सकता, क्यों जो क्रोध है वो दुख से क्यों बढ़ता है. हम एक साथ खाली रहते हैं, हम हमेशा एक हाथ खाली रखते हैं किसी चीज़ को क्षमा करने की लालसा के लिए. The central idea of that poem is, students, कि this poem is an autobiographical poem. Autobiographical poem है, means यहाँ पर आत्मकथा जो होती है उसको describe किया गया है. It describes an exclusively personal experience. However, its appeal is fairly universal. Both the father and son are poles apart. There is a generation gap between the two. They think and live differently. They have become strangers to each other. In spite of an urge for reunion, the separation continues and can't be helped.
कि ये एक आत्मकथा लिखी गई है कि जिसमें डिस्क्राइब किया गया पर्सनल एक्सपीरियंस को, कि जो एक फादर और सन होते हैं वो पोल्स अपार्ट जैसे रहते हैं, जो दो पोल्स रहते हैं जो कभी मिलते नहीं हैं आपस में, जनरेशन गैप होता है दोनों के बीच में, और दोनों ही अलग सोचते हैं और अलग तरीके से रहना पसंद करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर के जैसे काम करते हैं। इसके बाद भी वो एक दूसरे से रीयूनियन, दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस पोयम इज फादर टू सन। सो यू हैव टू राइट दिस पोयम इन योर नोटबुक, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पोयम एंड लर्न द सेंट्रल आइडिया।